नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के बीच पीएम ने किया G7 की मीटिंग को संबोधित, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का दिया मंत्र। दिग्विजय ने किया अनुच्छेद 370 बहाल करने का दावा, बीजेपी ने एनआईए जांच के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अगले दो दिन में उत्तर भारत पर छाएंगे मानसून, दिल्ली में भी इस बार 15 दिन पहले पहुंचने का अनुमान। चौथे चरण के टीकाकरण को सफल बनाने में सरकार ने झोंकी ताकत, 75% डोज खरीदकर राज्यों को कराएगी मुफ्त में उपलब्ध। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी दर रहेगी बरकरार, साथ ही ब्लैक फंगस की दवा होगी टैक्स फ्री। इसी के साथ बढ़ते आगे और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैनपुरी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पावर कॉरपोरेशन का मुख्य स्तंभ उपभोक्ता है, किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर किसी से भी ऐसी कोई शिकायत सामने आएगी तो पावर कॉरपोरेशन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री पूर्वांचल के दौरे के बाद आज मैनपुरी, इटावा और मथुरा के दौरे पर है और कल वो पश्चिमांचल के दौरे पर है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार, उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो, ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाए, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, लोड बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर की हो जाए, जैसा कि सब पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है अगर उसमें आवश्यकता है। औरैया के एरवा कटरा इलाके में 4 ग्राम पंचायतों में सदस्य पद को लेकर पोलिंग हुई। मतदान के दौरान एक ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर दबंगों ने पोलिंग एजेंट के द्वारा गड़बड़ी का विरोध करते हुए मारपीट की। मतदान केंद्र पर मारपीट की जानकारी मिलते ही सीओ बिगुना और थाना अध्यक्ष एरवा कटरा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही दबंग मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। देखिए, अरवा कटरा अंतर्गत रघुनाथपुर रोड पर सिंगल यहाँ पर रोड है, यहाँ पर किसी महिला को वोट को लेकर के जो यहाँ पर उनके वो रहते एजेंट हैं उनके विरोध जताया गया कि इनका वोट फर्जी है, लेकिन बाद में उसको चेक करके सही पाया गया, हमने वोट डाला। फिर वो अपने घर से अपने परिवारजन को लेकर के यहाँ पर आई कि मेरी सब्जेक्ट को रोका गया और एजेंट से उसकी लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पहुंचे। औद्योगिक विकास मंत्री के साथ कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों व मंत्री ने काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार की समझौता न करने और जो भी अधूरे काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इस दौरान फ्लाईओवर पर मिट्टी को लेकर भी जानकारी दी गई। उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से 10 जुलाई के बीच तक काम पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस रोड का शुभारंभ किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से काफी पहले पूरा होने का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने आदेश दिया। आज हम इसके इंस्पेक्शन पर हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने एंड तक जून तक हमारा पूरा कैरेज वे चालू हो जाएगा और हम लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक ये पूरी की पूरी सड़क बन जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत कठिनाई या थोड़े बहुत काम कोविड की वजह से डिले हुए थे हम उनको भी हर हालत में जुलाई में मतलब 10 जुलाई तक। ताजनगरी आगरा के गांव बरौदा सदर में नवनिर्वाचित प्रधान और भाजपा नेता पर गुंडागर्दी करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव से पहले सदस्य पद के प्रत्याशी के भतीजे धीरू को अवैध तमंचा लेकर जमकर धमकाया गया। प्रधान बनने के बाद श्री ओम गांव में जमकर दबंगई दिखा रहा है।
उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में श्री ओम गांव फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गहनता से जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना सांसनी गेट इलाके में एक पीड़ित परिवार सूदखोर के आतंक से परेशान होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। हाल ये है कि जहां सूदखोर के आतंक से परेशान होकर एक मां बाप अपने 5 साल के मासूम बच्चे को बेचने को मजबूर हो गए, तो वहीं सूदखोर के द्वारा पीड़ित परिवार के घर पर ताला लगाने के बाद ब्याज सहित 40 लाख रुपए का न लौटाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी से पूरे मामले की जांच कर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित चारू पाठक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एसएचओ परशुराम राजेश कुमार मिश्रा ने टीम के साथ मिलकर एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर श्यामजीत उर्फ राइफल को गिरफ्तार कर लिया है। हरैया थाना में चोरी की घटना का भी खुलासा किया गया। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शातिर हिस्ट्री शीटर के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि पहले भी मृतक एडवोकेट सुमित गुप्ता के ऊपर अटैक हो चुका है और पहले भी अटैक में सुमित को गोली लगी थी, लेकिन उस वक्त इलाज के दौरान सुमित गुप्ता बच गए थे। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम की मदद से साथ ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू कर दी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुमित कुमार गुप्ता नाम का एक युवा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास थी और इसके पिता अशोक गुप्ता अधिवक्ता हैं, तहसील में वकालत करते हैं। इनका कहना है कि शाम को 6 बजे के आसपास उनका बेटा घर से बल्ब लेने के लिए निकला। लगभग 8:45 बजे के आसपास इन्हें सूचना मिली और उस आधार पर इन्होंने एक तहरीर दी है बनाम अज्ञात। जो प्राथमिक छानबीन से बात निकल के आ रही है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस लड़के को गोली अलीगढ़ बॉर्डर पर मारी गई थी। उसमें जो अभियुक्त, उस समय भी अभियोग जो है बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। बाद में इसी लड़के ने जो मृतक है शिनाख्त के आधार पर दीपक पुत्र धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति को उसमें प्रकाश में लाया गया। इसकी शिनाख्त के आधार पर वो अभियुक्त जेल गया और बाद में हाईकोर्ट से बेल आउट हुआ। ये आशंका है कि उसी वजह से प्रतिशोध में उसने इनके बेटे को गोली मारी थी। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में, और बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे। जालौन में भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके अधिकारियों की पोल खोलकर हड़कंप मचा दिया। सांसद के 2 ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा लोक निर्माण विभाग के साथ मुख्य सचिव को किए थे, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे और कोच उरई मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण में घटिया स्तर का काम किया जा रहा है और निर्माण में लगाया गया मटीरियल भी काफी खराब है, जिसकी शिकायत भी की गई लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। ट्वीट के बाद जिले में हंगामा शुरू हो गया। खबर सुर्खियों में आई तो सांसद द्वारा अपने ट्वीट को तत्काल डिलीट कर दिया गया। कार्यालय से हुआ होगा, उसमें हमने एक बार जो साइडें उन्होंने भरी हैं उसे ये कहा था कि इसे ठीक करके जो भी पेंटिंग करना वो पेंटिंग कर दीजिएगा। अभी कल ही हम जब यहाँ से कालपी जा रहे थे तो हमने देखा मड़ूरा के पास एक जो पुलिया बन रही थी वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला तो व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन मोटरसाइकिल हमें मिली जो करीब 8 फुट ऊपर तारों में लटकी हुई थी सारी चीज़ें। तो हमें कष्ट हुआ देख के, पता नहीं किस परिवार का जो व्यक्ति होगा जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, उसी में मैंने मतलब ये सारे जो चीफ थे सारे और ऐसी थे अधिकारियों को रेज किया और उसी का हमारे ऑफिस से संज्ञान गया होगा।
राजधानी लखनऊ में आलमबाग बस स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के बाद ये चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने बिना मास्क के दिखे लोगों का चालान किया, साथ ही लोगों को सख्त हिदायत भी दी है कि कोई भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आंशिक कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद गरीब असहाय मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली तक निशुल्क राशन देने का फैसला लिया है। ये फैसला उन गरीब व्यापारियों और असहाय लोगों को राहत देने के लिए किया गया है जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की योजना पर अधिकारी और कर्मचारी अभी भी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिला लखनऊ के टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में लोग हफ्तों से कोटेदार के दुकान का चक्कर काट रहे हैं पर उनको सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं गोदाम पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने यह भी बताया कि गोदाम से दुकान तक राशन लाने के लिए किसी प्रकार का संसाधन नहीं है और पुराने ठेकेदार अपना ठेका छोड़कर चले गए हैं और अब आम जनता तक राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन लेने आई हो आप लोग? हाँ भैया। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। पिछले महीने मिला था? पिछले महीने मिला। इस महीने क्यों नहीं मिला? अभी मैंने पता नहीं, लेट होगा, अभी आया नहीं तो मिला का। अभी नहीं आया राशन? नहीं आया अभी? नहीं आया। क्या बता रहे हैं कोटेदार? क्या बता रहे हैं? कह रहे कि 5 तारीख से आ रहे हैं, कह रहे कि जब अपना एक तारीख मिलेगा आप लोगों को। अभी राशन नहीं आया? नहीं आया भैया। क्यों, आप लोगों को मिला राशन? हाँ, हमको बराबर मिला, इसी नहीं मिला। अगले महीने 5 तारीख को मिला था, 15 तारीख के बाद मिला, बराबर मिलता। इस महीने क्यों नहीं मिला? और कभी कम ना कभी ज्यादा, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं, और साफ राशन मिला रहा है। लखनऊ के हरिहरपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बड़ा तो मारपीट के बाद गोलियां भी चलने लगी। गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मैनपुरी में शादी समारोह में शामिल होने आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म को अंजाम देने वाला बच्ची का मामा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले आक्रोशित हो गए। परिजनों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट भी की और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है, साथ ही पीड़िता को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मैनपुरी के थाना अलाउ क्षेत्र में 3 अभियुक्तों ने जाल बिछाकर मोर को मार दिया। मोर मारने की सूचना पर वन विभाग की टीम और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को मोर सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना अलाउ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना अलाउ में राष्ट्रीय पक्षी को मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष अलाउ सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गांव मंचना में 3 आरोपियों ने मोर की हत्या की थी, जिनके खिलाफ वन रक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है। 1 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही दोनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रदेश में कई जगह ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं और लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इलाज न मिलने से लोग स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिला, लेकिन जब सच्चाई पूरी सामने आई तो कुछ और ही मामला निकला। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र में एक मरीज को कुछ लोग चारपाई से ले गए और बताया कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन इसकी खबर का खंडन करते हुए मिर्जापुर डीएम ने कहा कि पीड़ितों ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, पीड़ितों के पास मोबाइल ही नहीं था। डीएम ने आगे कहा कि एम्बुलेंस के लिए कॉल आती तो एम्बुलेंस अवश्य मिलती। देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम सत्तू मुसहर है और लगभग 60-62 वर्ष उनकी उम्र है। कल उनको पेट दर्द की शिकायत हुई थी और उसमें सोशल मीडिया पर एक न्यूज चली थी कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है और इसलिए उनको चारपाई पर ले जाया गया। इसकी मैंने एक सीएमओ से जांच कराई और सीएमओ की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन नहीं किया था। इसके अलावा जो एम्बुलेंस के प्रभारी हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी हमने रिपोर्ट निकलवाया, तब भी यही तथ्य सामने आया। और इसके अलावा मैंने जो हमारे SDM लालगंज है, इससे उनको घर पर भेज करके जाँच कराई, तो परिवार वालों ने यह बयान दिया कि हमारे
द्वारा एम्बुलेंस के लिए कोई कॉल नहीं की गई। इसके अलावा उनके घर में किसी के पास मोबाइल भी नहीं है और इसी कारण से उनके द्वारा कोई कॉल एम्बुलेंस के लिए नहीं की गई। और अगर निश्चित रूप से उनके द्वारा कॉल की जाती तो हमारे द्वारा उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती। मैनपुरी में नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने थाना एलाऊ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, हवालात, शस्त्रागार सहित थाना परिसर का भी जायजा लिया। साथ ही लंबित मामलों में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने आगे कहा कि आरोपियों में पुलिस का भय रहना चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने थाना परिसर में बन रहे नवीन भवन के बारे में भी विशिष्ट पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। रायबरेली में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम को सफलता मिली है। टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से चोरी व लूट के सामान के साथ ही अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लाखों रुपए के साथ जेवरात भी बरामद हुए। बता दें कि इन शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने अपने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1-1.5 महीने से कुछ चोरियां हुई थी जिनसे काफ़ी लोगों में भय व्याप्त हो गया था और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया था। इस टीम की कड़ी मेहनत के बाद कुछ वीडियो फुटेज चोरी के समय के थे और सर्विलांस के सहारा लेते हुए और कुछ मुखबिरों को इन्वॉल्व इसमें किया गया था, उनकी मदद से चोरी का खुलासा हुआ और इसमें 3 चोर। बुलंदशहर के शिवाली क्षेत्र के पास तेज रफ्तार कार ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की इस जोरदार टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल में ले जाते वक्त घायल की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे गाँव में राजकुमार त्यागी जी की मृत्यु, उसका कारण हुआ कि उनके दोस्त थे कटियावली के, वो नोएडा जा रहे थे, रिटायर एसओ हैं दिल्ली पुलिस में। उन्हें सूचना, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उन्होंने उन पर सूचना दी कि साहब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई मदद करें, गाड़ी को या तो खिंचवा के शिवाली खड़ी करवा दें। और गाँव जाने से निकलने से पहले पहले फिर सूचना आ गई कि मिस्त्री आ गया, अब रहने दो। उन्होंने मना भी किया लेकिन बोले दोस्त हैं, काफ़ी दिन में मिले, लोग मिलने के उद्देश्य से वो चले जाएँ। और पहुँचे, पहुँचने के बाद में आपस में वार्ता ही कर रहे थे, कैसे गाड़ी आई बुलंदशहर की तरफ से और उसने राजकुमार त्यागी की टक्कर मार दी, जिसे गंभीर चोट आई। और गंभीर चोट में उनकी, उन्हें यहाँ लाया गया बुलंदशहर संसार हॉस्पिटल में, उसके बाद में सरकारी अस्पताल लाया गया, यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।